अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन के डिफरेंसेस, हम आज इनके मेजर डिफरेंसेस देखेंगे। लेट्स से व्हाट इज प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन व्हिच अकर्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की ऐसी किस्म होती है जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती, जो अमूमन जाइगोट के बनने से पहले हो जाती है। जबकि पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन इज अ सेकेंड मेजर कैटेगरी ऑफ आइसोलेशन व्हिच अकर्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। ये अमूमन जाइगोट के बनने के बाद होती है। सादा सी बात है, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन जाइगोट के बनने से पहले होती है, जबकि पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन हमेशा जाइगोट बनने के बाद होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, ड्यूरिंग प्री जाइगोटिक आइसोलेशन देयर इज नो मेटिंग, इसमें इंडिविजुअल्स मेट नहीं करते, जबकि पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में हमेशा इंडिविजुअल्स के दरमियान मेटिंग होती है। थर्ड डिफरेंस इज an extrinsic mechanism which permits the physical isolation of parents preventing mating. Pre-zygotic isolation basically extrinsic mechanism है जिसमें physical barriers होते हैं या physical isolation होती है जो parents को individuals को आपस में mate करने से रोक देती है, जबकि an intrinsic mechanism which does not allow the formation of an offspring through the formation of hybrids. तो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन दरअसल इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होता है जिसमें जानदारों के दरमियान हाइब्रिड फॉर्मेशन नहीं होती, यानी नस्लें हाइब्रिड फॉर्मेशन के ज़रिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जबकि प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन कैन इवॉल्व एज मेटिंग सिग्नल्स एंड प्रेफरेंसेस अडॉप्ट टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। तो प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन होती है, इसमें जानदार मेटिंग के लिए सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की हैबिटेट या मुख्तलिफ माहौल के अंदर रहकर भी आपस में मेटिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करने की एहलियत रखते हैं, बट इसमें फिर भी मेटिंग नहीं हो पाती। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन को हम देखें, इट इन्वॉल्व्स सिंस हाइब्रिड्स हैव इंटरमीडिएट फिनोटाइप, इसमें हाइब्रिड बनते हैं जिनकी अपने पेरेंट्स से इंटरमीडिएट फिनोटाइप होती है एंड आर पोअरली अडॉप्टेड टू पेरेंटल हैबिटेट्स, और ये अपने पेरेंटल हैबिटेट्स पर अडॉप्ट नहीं कर सकते, पोअरली अडॉप्टेड होते हैं। रीज़न ये है कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप अपने आप को पेरेंट्स की ओरिजिनल हैबिटेट के अंदर रहने के काबिल नहीं बना सकते। लेट्स से अबाउट प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, ये टोटली माहौल पर डिपेंड होती है। व्हाइल पोस्ट जाइगोटिक अकर्स थ्रू जेनेटिक इनकैपेबिलिटीज व्हिच इन टर्न कास्ट स्टेरिलिटी, जबकि जो पोस्ट जाइगोटिक होती है ये जेनेटिक इनकैपेबिलिटीज की बुनियाद पर होती है, जिनियाती गैर मुताबकत की बुनियाद पर होती है, और ये ऐसी जिनियाती गैर मुताबकत या जेनेटिक इनकैपेबिलिटी होती है कि जानदारों में स्टेरिलिटी पैदा हो जाती है, यानी जानदार स्टेराइल पैदा होते हैं। अबाउट देयर मैकानिजम्स, प्रीजाइगोटिक में हैबिटेट आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन और गमेटिक आइसोलेशन जैसे मैकानिजम्स इवॉल्व करते हैं, जबकि पोस्ट जाइगोटिक में जाइगोट मॉर्टैलिटी, नॉन वायबिलिटी ऑफ हाइब्रिड्स एंड हाइब्रिड स्टेरिलिटी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम अपने पहले वाले लेक्चर्स में ये तमाम टर्म्स इनके रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर डिटेल से और एग्जांपल के साथ मेंशन कराए हैं। नेक्स्ट, प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ वायबल जाइगोट्स। तो प्री जाइगोटिक में वायबल जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती, वाइल पोस्ट जाइगोटिक प्रिवेंट्स द हाइब्रिड्स फ्रॉम पासिंग ऑन देयर जीन्स, जबकि पोस्ट जाइगोटिक में हाइब्रिड्स अपने जीन नेक्स्ट जनरेशन तक पास नहीं कर पाते। नो, आई थिंक हियर इज लास्ट मेजर डिफरेंस, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन प्लेज अ की रोल इन द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो प्री जाइगोटिक अमूमन नेचुरल सिलेक्शन में अपना रोल अदा करती है, जबकि पोस्ट जाइगोटिक प्रिवेंट सक्सेसफुल इंटर पॉपुलेशन क्रॉसिंग। जो पोस्ट जाइगोटिक है वो जानदारों के दरमियान या पॉपुलेशन के जानदारों के दरमियान कामयाब तरीके से इंटर पॉपुलेशन नहीं होने देती। हियर इज अ मेजर क्लासिफिकेशन और अदर मैकेनिज्म ऑफ
isolation, which may relate to pre-zygotic isolation and then post-zygotic isolation. याद रखिए, isolation दो तरह से होती है, geographical isolation and reproductive isolation. Reproductive isolation फिर दो तरह से है, एक pre-zygotic होती है, दूसरी post-zygotic होती है. Pre-zygotic की फिर आगे types हैं, like ecological isolation, seasonal isolation, ethological, physiological, mechanical isolation and then gamete mortality. ये कम से कम छः different types of pre-zygotic isolation की हैं. जबकि post-zygotic में उर्फ़ आम पाँच varieties exist करती हैं. एक cytological है, second zygotic mortality isolation, third hybrid inviability, fourth hybrid sterility, fifth and last one is hybrid breakdown. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.